दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1 जून की। दोस्तों 1 जून से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तो क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या नियम लागू होने वाले हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें बहुत ही जरूरी बातें हमने आपको बताई है, 5 बातें ऐसी हैं जो कि कल बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसे अपडेट और अलर्ट न्यूज तुरंत मिलते रहे। दोस्तों बदलाव में पहला बदलाव निकल कर आ रहा है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 31 मई के बाद बेकार हो जाएगा आधार, होने वाला है ये बड़ा बदलाव 1 जून को। दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के आधार पर कुछ जरूरी बदलाव करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने वर्चुअल आईडी की शुरुआत करने का फैसला किया है। अब कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा, अब सरकार आधार वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल पर जोर देगी। यह सब आधार की सेफ्टी को मजबूत करने के लिए किया गया है। 31 मई के बाद आपका आधार बेकार हो जाएगा। हालांकि बेकार होने के बाद यह नहीं कि आधार वैलिड नहीं होगा, बल्कि इसके इस्तेमाल की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि आधार वर्चुअल आईडी की हर जगह काम आएगी। लेकिन क्या होता है वर्चुअल आईडी, इसका फायदा क्या होगा, आम जनता इसका क्या इस्तेमाल करेगी और कैसे ये नई आईडी जनरेट होगी, तमाम सवालों का जवाब हम जानते हैं। दोस्तों आधार वर्चुअल आईडी एक तरह का टेम्प्रेरी नंबर है, यह 16 अंकों का नंबर होता है। अगर इसे आधार का क्लोन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसमें कुछ ही डिटेल होंगी। UIDAI के यूजर्स के हर आधार का एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का मौका देगी। अगर किसी को कहीं अपने आधार की डिटेल देनी है तो 12 अंकों के आधार नंबर की जगह 16 अंकों का वर्चुअल आईडी दे सकता है। वर्चुअल आईडी जनरेट करने की सुविधा 1 जून से अनिवार्य हो जाएगी। कहां से जनरेट कर सकेंगे आप वर्चुअल आईडी? दोस्तों आधार वर्चुअल आईडी को UIDAI के पोर्टल के जनरेट किया जा सकता है। यह एक डिटेल आईडी होगी, आधार होल्डर इसे कई बार जनरेट कर सकते हैं। मौजूद समय में VID सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब हुआ कि एक दिन बाद होल्डर इस वर्चुअल आईडी के फिर से जनरेट कर सकता है। इसे सिर्फ UIDAI के वेबसाइट से ही जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों जनरेट करें अपनी VID जनरेट करने के लिए UIDAI के होम पेज पर जाएं। अब अपना आधार नंबर डालें, इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार रजिस्टर्ड होगा वहीं आपको OTP भेजी जाएगी। OTP डालने के बाद आपको नई VID जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और जब यह जनरेट हो जाएगी तो आपके मोबाइल पर आपकी वर्चुअल आईडी भेज दी जाएगी, यानी 16 अंकों का नंबर आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मालूम पड़ जाएगी और इसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। दोस्तों वर्चुअल आईडी से क्या होगा? दोस्तों यह आपको सत्यापन के समय आधार नंबर को साझा नहीं करने का विकल्प देगी। वर्चुअल आईडी से नाम, पता और फोटोग्राफ जैसे कई चीज़ों का वेरिफिकेशन हो सकेगा। कोई यूजर जितनी चाहे उतनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकेगा। पुरानी आईडी अपने आप कैंसिल हो जाएगी और UIDAI के मुताबिक अधिकृत एजेंसियों को आधार कार्ड होल्डर की ओर से वर्चुअल आईडी जनरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जून के महीने में TV, फ्रिज और अन्य सामान हो सकते हैं महंगे, जाने इसके पीछे की वजह। दोस्तों जो लोग अगले महीने यानी कि जून में टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत कई अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बुरी खबर है। अगला महीना यानी जून में यह सब सामान खरीदना काफ़ी महंगा हो सकता है। टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बढ़ती कीमत की जानकारी कंज्यूमर ड्यूरेबल कम्फर्ट्स ने दी है। उन्होंने बताया है कि सामान की बढ़ती कीमत के पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि जून में टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और फ्रिज के बढ़ते दाम को लेकर वर्लपूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील डिसूजा ने कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और रुपए में भारी गिरावट के प्रभाव से कई सारी चीज़ें पर महंगी हो सकती है। तो यदि आप भी खरीदने का सोच रहे हैं तो आज 31 तारीख है, आज खरीद सकते हैं, क्योंकि कल से चीज़ें महंगी होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे बड़े बदलाव की, क्या बदलाव कल हो सकता है। दोस्तों 1 जून से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो जाएगी कम, कैबिनेट बैठक में इस पर लिया गया निर्णय। दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमत केरल में 1 जून से कम हो जाएगी। राज्य ने बुधवार को ईंधन की कीमत 1 रुपये प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में ईंधन पर टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ ही हाल ही की तेजी की के बाद केरल देश में ईंधन पर टैक्स घटाने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि उन्होंने ईंधन पर टैक्स लगाया था परंतु उन कैबिनेट ने निर्णय लिया और उसे
घटा दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर और एक्साइज ड्यूटी घटाने में नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का अनुसरण केवल 4 राज्यों में किया गया था। इन राज्यों में ईंधन पर वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती की गई थी। दोस्तों, केरल में डीजल कीमत पर 24.52% और पेट्रोल कीमत पर 31.8% वैट लगता है। इसके अलावा केरल पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर का सेस भी लगाता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यदि उच्च राज्य फूड आयल के कारण अपनी अतिरिक्त राजस्व को छोड़ दें तो पेट्रोल की कीमत में 2.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया कि ईंधन की कीमतों को तर्कसंगत बनाकर भी लोगों को राहत पहुँचाई है। राज्य ऐसे मूल्य निर्धारण पर विचार कर रही है जहाँ राज्यों द्वारा वेट केवल वेब प्राइस पर ही लगाया जा सके और एक्साइज ड्यूटी को शामिल कर चुकी कीमत पर ना लगे। दोस्तों, इस प्रकार केरल कह सकते हैं कि 1 जून से पेट्रोल डीजल वहां पर सस्ता हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले बड़े अलर्ट की। दोस्तों, जून में ऑनलाइन मिलेगी भूमि अधिग्रहण प्रपोजल की मंजूरी। दोस्तों, 2019 में होने वाले चुनावों के पहले नरेंद्र मोदी ने हाईवे प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अनुसार 1 जून से भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी प्रपोजल की फिजिकल फाइल नहीं ली जाएगी और सिर्फ ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी। यानी कि अब आपको यदि ऑनलाइन कुछ काम करना है या आपको भूमि अधिग्रहण करना है तो आपको उसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे और सेंट्रल फाइनेंस स्कीम के साथ डील करने वाली सभी राज्यों ने पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को लिखे पत्र में कहा है कि मिनिस्ट्री की ओर से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे मकसद क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा सके। दोस्तों, यह थी एक और बदलाव। आप जानते हैं एक और प्रमुख बदलाव का। दोस्तों, 31 मई बाद आप झेल सकते हैं बहुत सी परेशानी, क्योंकि 1 जून से लेकर 10 जून तक होने जा रहा है किसान आंदोलन और इसके प्रभाव से आपको हो सकती है परेशानी, यानी कि आपके यहाँ दूध सब्जी की परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही कार्य करें। तो आपके लिए दोस्तों ये थे बड़े बदलाव जो कि हम आपने लेकर आए थे और यह आपका 1 जून से लागू होने वाला है। तो आप भी सतर्क रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि 1 जून से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर करें, लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट में कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसी अपडेट और अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।